हेलो गाइस, तो हम आए थे लाल किला और ये देखिए लाल किला का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने फोटो मोबाइल को नीचे रख के एक वीडियो बना रहा छोटा सा। और ये देखिए, अरे भाई आपको अभी आना था क्या? बोरा चुके देखिए मेरा वीडियो ख़राब कर दिया यार। ये मेरा वीडियो ख़राब कर दिया। और ये देखिए तिरंगा इंडिया का कितना अच्छा से पड़ रहा है लाल किले पर। और जो नहीं आए हैं वो लाल किला ज़रूर आए, दिल्ली आते हैं तो लाल किला इंडिया गेट ये सब ज़रूर घूम लें। और जो सब आए हैं कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कौन सब आए हैं कौन नहीं आए हैं। और सब अमी को परेशान यार, सब अमी को परेशान करता है यार, सब डिस्टर्ब करता है वीडियो बताने में। मेरे ही आगे आ जाए आदमी सब यहाँ पे आके छर पटाता सेल्फी लेने। पूरा धूप में पूरा भीड़ लगा हुआ है, सब फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं नीचे से। कितना धूप बज रहा है अभी, दिन के 2 बज रहा है अभी, इतना दिन में सब धूप में कितना फोटो खिंचवाने के लिए परेशान है सब लाल किला के पास। और ये भीड़ देखे कितना लगा हुआ है। धूप में ही अच्छा लगता है घूमने में सब। शाम में भीड़ बहुत हो जाती है घूमते हैं धूप में ही भीड़ कम रहता है, इसीलिए पूरा अच्छा से फ़ोटो वोटो खिंचवा देता है सब, इसलिए इतना भीड़ रहता है। फिर शाम में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फ़ोटो वोटो खिंचवाने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए सब सवेरे आता है लाल किले पर। टूरिस्ट सब भी विदेशी सब आता है, यही लाल किला इंडिया गेट ज़्यादातर घूमता है। और ये दूर से लाल किले का कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। और ये भाई लग रहा है कि हमसे फ़ोटो खिंचवाएगा, तो मैंने फ़ोटो खींच लूँगा यार, क्या दिक्कत है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को लाल किला अच्छा लगता है या इंडिया गेट। वैसे तो लाल किले के पास अभी ज़्यादातर स्पेस नहीं है, इंडिया गेट वहाँ पे पार्किंग की तरफ बहुत बड़ा सा वहाँ पे जगह है। और ये रहा इंडिया गेट, इंडिया गेट पे बहुत ज़्यादा ग्राउंड है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है इंडिया गेट का। वैसे तो हमको दोनों अच्छा ही लगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और आज के लिए इतना सा ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो मेरे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए। और आप लोग कमेंट में बताइए ज़रूर कि वीडियो कैसे बनाना है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं।